चलो आज फिर से बनाते हैं जूट के हेयर क्लिप्स। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए हमें चाहिए ऐसी क्रोकोडाइल क्लिप या फिर आप टिक टॉक क्लिप्स भी ले सकते हो और इसके ऊपर मैं ऐसे जूट रोप को ग्लू कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं जूट रोप को कट कर रही हूँ जो कि मोर और लेस मेरे क्लिप के साइज का है लेंथ वाइज, ताकि मुझे ग्लू करने में आसानी हो। इसके बाद हम क्लिप के ऊपर बहुत अच्छे से ग्लू को लगा देंगे, कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से एकदम ग्लू को लगा देंगे। उसके बाद मैं एक एक करके जो पहले जूट की रोप कट करके रखी थी वो लगा रही हूँ और सीजर्स की हेल्प से उसे अच्छे से डैप डैप करके पेस्ट कर रही हूँ ताकि वो एकदम अच्छे से स्टिक हो जाए ग्लू के साथ। ऐसे ही हमें तीन रोप को अटैच करना है। मेरा जो क्लिप है उसमें तीन ही रोप अटैच होगी। अगर आपका क्लिप मुझसे ज़्यादा वाइड हो तो आप इससे ज़्यादा भी रोप अटैच कर सकते हैं। अरे मैं तो बताना भूल ही गई, आप ना मेरी DIY वीडियोस को देख के रिक्रिएट कीजिएगा और रिक्रिएट करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे टैग करना ताकि मैं आपकी रिक्रिएशन भी शेयर कर सकूं। और इसके बाद हम काउडी बीट्स लेके इस जो बेस रेडी हो गया हमारा उसके ऊपर ग्लू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक्स्ट्रा रोप दोनों साइड से कट करना है जो कि एकदम बहुत ही एसेंशियल स्टेप है अच्छी दिखने के लिए। इसके बाद मैं इन हाफ काउडी बीट्स के जो नीचे का हिस्सा है उसमें ग्लू लगा के पेस्ट कर रही हूँ। मैंने हाफ कट काउडी बीट्स लिया है ताकि ग्लू करने में आसानी हो, क्योंकि जो फुल काउडी बीट्स होता है ना उनका जो नीचे का हिस्सा होता है राउंड होता है। तो ऐसे ही हो गई हमारी काउडी बीट्स वाली और एक क्लिप तैयार। जल्दी से पहन के दिखा देती हूँ। मुझे देखते तो पता चल ही गया होगा तो मैं कितनी खुश हूँ उस क्लिप को बनाने के बाद। और आप कमेंट सेक्शन पे जाके बताइए कि मैं इस क्लिप को पहन के कैसी लग रही हूँ। मिलते हैं अगली DIY वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय।